भाई अगस्त का अपडेट आ गया है। ओपन किया, पता चला जुलाई का सिक्योरिटी पैच निकल गया। अरे भैया अपडेट कब आएगा? यहाँ पे अगस्त का अपडेट है, अगस्त के अपडेट के साथ जो है यहाँ पे जुलाई का सिक्योरिटी पैच, अगस्त के नाम पे जुलाई का सिक्योरिटी पैच। दोस्तों आज की इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे मैं अगस्त के अपडेट के बारे में जो बात करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिवाइस में जो है अगस्त का 2020 का जो OTA है वो हमको यहाँ पे ऑफिशियली पोस्टर इसका दिख गया है। अब ऐसे में कई यूजर्स के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे जो अगस्त का अपडेट है वो रोल आउट हो गया है, मगर जैसे ही हम अगस्त का अपडेट ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद वहां पे हमको जुलाई का जो है सिक्योरिटी पैच जो है शो करता है। तो आखिर ये अगस्त का अपडेट आया ही क्यों है? और यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे इस अगस्त के मंथ में अगस्त का तो अपडेट ऑफिशियली यहाँ पे जो है अगस्त के नाम से आया हुआ है, बट जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जुलाई का सिक्योरिटी पैच जो इसमें दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ और यहाँ पे पूरे डाउट्स जो आपके हैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको पता होगा कुछ डिवाइस में यहाँ पे अगस्त का जो OTA अपडेट है वो रोल आउट हो गया है, तो यहाँ पे मैं जितने भी डिटेल है वो पूरी डिटेल इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैंने Realme 6i की फुल अनबॉक्सिंग की है। जरूर से आई बटन में जाके आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि अगस्त के मंथ में भी जो है यहाँ पे कई डिवाइस को OTA का अपडेट जो है प्रोवाइड हुआ है, जिसमें हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो अपडेट है वो अगस्त का है, बट जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको जुलाई का जो है सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अभी जो है अगस्त का अपडेट रोल आउट नहीं हुआ है, ये पुराना अपडेट है। मतलब कि यहाँ पे जब अगस्त का जो अपडेट रोल आउट होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ होगा। अब जैसा कि आप मेरी होम स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे Realme C3 डिवाइस में जो अगस्त का अपडेट रोल आउट किया गया है, बट अगर हम अगस्त के अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हमको Realme C3 में जो जुलाई में अपडेट नहीं मिला था, इसलिए जो है यहाँ पे अगस्त में जुलाई वाला अपडेट जो है रोल आउट किया गया है। अब ऐसे में जो यहाँ पे अगस्त का जो इसमें अपडेट आएगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आएगा, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे कई सारी ऐसी डिवाइस है जैसे कि Realme 5, 5i, 5s, ऐसी कई सारी डिवाइस है जिनको जो है जुलाई में ही जुलाई का अपडेट मिल गया है। अब ऐसे में उनको जब अपडेट प्रोवाइड होगा तो उसमें जो है नेक्स्ट, मतलब जो करंट अपडेट चल रहा है उस अपडेट के अकॉर्डिंगली जो है अपडेट प्रोवाइड होगा। अब जैसे मान लीजिए Realme 5, 5i एंड 5s में जो है जुलाई में अपडेट प्रोवाइड हुआ था, उस जुलाई में अपडेट प्रोवाइड होने के साथ साथ जुलाई का सिक्योरिटी पैच जो है देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस डिवाइस में अगस्त के अपडेट की, तो यहाँ पे जब अगस्त का अपडेट आएगा, जब अगस्त का पोस्टर हमको देखने को मिलेगा Realme की ऑफिशियल साइट पे, तो वहां पे हमको अगस्त का भी जो है सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिवाइस ऐसी होती है जिनको अपडेट लेट मिलता है। अब ऐसे में यहाँ पे इनका जो मतलब होता है यहाँ पे अगस्त OTA 2020 कहने का मतलब कि जिस टाइम जो है अपडेट रोल आउट होता है उस टाइम का ये टाइमलाइन मेंशन करते हैं, ठीक है। बट इसमें हम वर्जन की बात करें तो वर्जन तो चेंज होता है, साथ में जो सिक्योरिटी पैच वो भी चेंज होता है, बट यहाँ पे अगर इस डिवाइस में अपडेट लेट मंथ में आया है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है वो भी शो करेगा लेट में। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने Realme कम्युनिटी से पूछा कि जो अगस्त का अपडेट है ऑल डिवाइस में कब तक प्रोवाइड होगा, तो Realme ने एक आंसर दिया यहाँ पे कि हमने जो है रोल आउट स्टार्ट कर दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं, इस रिप्लाई को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अगस्त का जो अपडेट है वो यहाँ पे ऑफिशियली जो रोल आउट हो गया है, मगर नहीं, अगस्त का अपडेट अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। जिन डिवाइस में अगस्त 2020 का अपडेट आ रहा है उसमें जो है अभी तक जो है पुराना सिक्योरिटी पैच जो है दिया जा रहा है, और उनमें जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, मतलब कि जो अगस्त का अपडेट आएगा वो सितंबर तक आएगा। और जिन डिवाइस में टाइम टू टाइम, मतलब कि मंथ वाइज जिसमें अपडेट सही टाइम पे मिल जाता है, उस डिवाइस में जो है उस मंथ फिर से अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैं जिन डिवाइस को यहाँ पे जुलाई के मंथ में जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया होगा, उन डिवाइस को यहाँ पे अगस्त में जो अपडेट आएगा वो अगस्त में अपडेट में जो है यहाँ पे अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बड़ा डाउट था जो कि सभी यूजर्स के मन में होगा, तो यहाँ पे मैंने जो डाउट था वो क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, और बेसिकली जो अगस्त का अपडेट है वो रोल आउट अभी नहीं हुआ है, बस खाली यहाँ पे जो पुराना वर्जन है जिन डिवाइस में जिस टाइम रोल आउट हो रहा है वो टाइमलाइन मेंशन की गई है Realme की तरफ से। तो आने वाले अपकमिंग डेट में जब अपडेट आएगा अगस्त का, वो अपडेट आपको मिल जाएगा, साथ में उसमें अगर नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे तो वो भी फीचर्स जो ऐड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा।
अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।